फ्रेंड्स, वेलकम टू कुकिंग चैंप्स। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही इजी और टेस्टी चाट की रेसिपी। वो है सेव बटाटा पूरी। तो इसे देखते ही मुंह में पानी आ गया ना। चलिए बनाना शुरू करते हैं। सेव बटाटा पूरी बनाने के लिए हम पापड़ी ले लेंगे। तो मैंने 8 पापड़ी यहाँ पर ली है। इसके ऊपर हम रख देंगे आलू। तो बॉईल किए हुए आलू को हमें इस तरह से स्लाइसेस में कट करके रख देना है। आलू डालने के बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर। तो टमाटर को बारीक काट के हम इसमें डालेंगे। हर एक पूरी के ऊपर आप अच्छे से टमाटर को रख दीजिए। फिर हम इसमें डालेंगे प्याज। तो बारीक कटी हुई प्याज इसमें डालें। और हाँ, अगर आप पापड़ी घर में बनाना चाहते हैं तो उसकी रेसिपी मेरे चैनल पर है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। फिर हम पापड़ी के ऊपर डाल देंगे हरी चटनी। हरी चटनी पुदीना, धनिया और हरी मिर्च से बनी होती है, थोड़ी तीखी होती है। वो डालने के बाद हम इसके ऊपर डालेंगे इमली की खट्टी और मीठी चटनी। और फिर क्योंकि हम सेव पूरी बना रहे हैं तो हर एक पूरी के ऊपर हम बिना कंजूसी करे बहुत अच्छे से सेव डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं ना, सेव मैंने कितना ज्यादा डाला है, इसी से तो टेस्ट आता है। फिर हम इसके ऊपर छिड़क देंगे थोड़ा चाट मसाला पाउडर। फिर इस पे करीब 1/4 टीस्पून छिड़क देंगे जीरा पाउडर। और बस इसे लास्ट में थोड़ा सा बारीक कटा हुआ प्याज और बारीक कटे हुए धनिया के पत्ते से गार्निश कर देंगे। हमारी सेव बटाटा पूरी बनके तैयार है। तो लग रही है ना ये बहुत टेम्पटिंग, जाइए इसे जरूर ट्राई कीजिए। मुझे पूरा यकीन है कि ये होममेड सेव बटाटा पूरी खाने के बाद आप बाजार का भी स्वाद भूल जाएंगे। तो अगर वीडियो आपको आज की पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल कुकिंग चैंप्स को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी और रेसिपीज हम आप तक पहुँचाते रहें।